पाली से कमलेश कुमार सेन की रिपोर्ट के अनुसार पटेल समाज की युवा समाज सेवी युवाओं की धड़कन कांग्रेस नेता प्रेम पटेल दूधली को जन्मदिन पर उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा। पटेल ने इस बार अपने जन्मदिन को नहीं मनाने का फैसला किया और कोरोना काल में जो व्यक्तियों ने अपना जीवन खो दिया है उन लोगों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में ही उन सभी किसानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया जिन्होंने किसानों के हक के लिए दिल्ली में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं प्रेम पटेल दूधली। आज मेरे जन्म दिवस पर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मेरे सभी साथियों ने, मेरे समर्थकों ने और मुझे चाहने वालों ने बहुत ही भारी तादाद में मुझे जो बधाई दी उन सबके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबको साधुवाद प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं इस बार जन्मदिन को नहीं मनाने का फैसला किया क्योंकि इस कोरोना काल में ऐसे कई परिवारों ने अपने बहुत ही अमूल्य रत्न खो दिए। मैं इस मेरे जन्मदिन को उन्हें समर्पित करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन सभी परिवारों को शक्ति दे और सामर्थ्य दे कि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सके, तथा मैं उन सभी दिल्ली के अंदर जो किसान विरोधी बिल के तहत जो किसान भाई गए थे और जिनकी कोरोना बिल के विरोध में वहाँ विरोध प्रदर्शन में जिनकी प्राणों का बलिदान हो गया उनको भी मैं नमन करता हूँ। और जिस प्रकार से उन किसानों ने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले किसानों के लिए जो प्रयास किए वह सराहनीय है, इसलिए उन सबको देखते हुए मैंने इस बार अपने जन्मदिन को नहीं मनाने का फैसला किया। आप सबने मुझे फ़ोन करके बधाई दी। धन्यवाद। जय हिंद।